नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। जनपद में 18 जुलाई को मेहदावल निवासी भानु प्रताप पांडे की ई रिक्शा से स्टेशन ट्रेन पकड़ने के दौरान उनका बैग छूट गया, जिसमें सोने व चांदी के जेवरात व 8700 रुपये नगद था। काफी खोजबीन के बाद ई रिक्शा का पता लगाना चाहा तो पता नहीं चल पाया। तब उन्होंने यातायात पुलिस को सूचना दी, जिनकी पहचान लक्ष्मीकांत पांडे पुत्र स्वर्गीय भानु प्रताप पांडे निवासी मेहदावल थाना मेहदावल जनपद संत कबीर नगर के रूप में हुई है। यातायात पुलिस ने ITMS के कैमरे की मदद से काफी प्रयास के बाद ई रिक्शा का पता लगाया तथा बैग बरामद किया। बैग में रखा जेवरात व नगद रुपया सहित सभी सामान बरामद। लक्ष्मीकांत पांडे को यातायात कार्यालय पर बुलाकर सामान सहित उनका बैग वापस कर दिया गया। लक्ष्मीकांत पांडे द्वारा यातायात पुलिस की सराहना की गई तथा धन्यवाद दिया। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए SP ट्रैफिक श्याम देव बिंद ने कहा, ये लक्ष्मीकांत पांडे नामक व्यक्ति है जो मेहदावल के रहने वाले है। 18 तारीख को इनको ट्रेन पकड़ना था, जिसमे ये रिक्शे पे बैठ के ये जा रहे थे, तो यहाँ फिर इनका बैग जो है कि रिक्शे पर छूट गया था। इस बैग में इनके जेवर थे, कुछ सोने के थे, कुछ चांदी के थे, इनके 9-10 हज़ार के आसपास रुपए भी थे जो उसमें छूट गए थे, और उसके बाद जो है कि ये भूल गए थे और चले गए। बाद में जब इन्हें याद आया तो इन्होंने जो है कि यातायात पुलिस को सूचना दिया कि मेरा बैग ई रिक्शे में छूट गया है। बाद में उस ई रिक्शे को ट्रेस किया जाने लगा तो उसको यातायात पुलिस ने उस ई रिक्शे का नंबर पता किया, उसके बाद उसको खोज निकाला और उनका बैग और उसमें जो सारे सामान थे, जेवर थे और पैसे थे, पूरे बरामद हुए। और इनको आज उसको जो है कि उनको बुला के सुपुर्द किया गया। यातायात पुलिस ने ये एक बढ़िया काम किया, सराहनीय काम किया, जिसकी तारीफ इनके लक्ष्मीकांत पांडे जी द्वारा की गई है। इन्होंने यातायात पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद भी दिया है।